मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि जनपद इटावा में किसी प्रकार की कोई घटना घटित होती है तो तत्काल डायल 112 निकट के पुलिस चौकी या निकट के थाने को सूचना दें, हमारे कंट्रोल रूम को सूचना दे सकते हैं। किसी भी स्थिति में कानून को किसी को भी अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अगर किस तरह का किसी के द्वारा कोई कृत्य किया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी प्रकार की अगर किसी के द्वारा अफवाह फैलाई जाती है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। पूरे जनपद इटावा के अपने मीडिया वालों के माध्यम से हम लोगों से अपील करते हैं कि किसी प्रकार की अफवाह न तो फैलने दें और न तो फैलाने, अगर कोई किसी प्रकार का अफवाह फैला रहा है तो तत्काल सूचना दें। अगर कहीं कोई घटना भी घटित होती है तो तत्काल उसकी सूचना डायल 112 के माध्यम से हम लोगों को मिल जाती है, तो डायल 112 को सूचना दे सकते हैं, निकट के पुलिस चौकी को दे सकते हैं और थाने को। किसी भी स्थिति में किसी के भी द्वारा कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। तो एक बार पुनः हम लोगों से अपील करते हैं कि सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म अच्छे कार्य के लिए है, किसी भी भ्रामक सूचना को न तो फॉरवर्ड करें और न तो किसी प्रकार का, अगर कोई सूचना आती है तो पहले उसको वेरीफाई कर लें, उसके बाद ही उसको आगे बढ़ाएं।